ये 2008 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया है और 2008 के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 47 टाइप का कुछ आया है. हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. हाइपर कॉन्जुगेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर देखोगे तो ये एल्कीन के अंदर और एल्काइन दोनों के अंदर, सॉरी एल्कीन के अंदर और कार्बोकेटाइन के अंदर ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है. ठीक है, एल्काइन के अंदर जो है हम डिस्कस नहीं करते हैं उसको, बाकी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली ये होता है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल. तो पहले मैं कार्बोकेटाइन के अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसकी बात करता हूँ. बड़ा सिंपल सा है, कार्बोकेटाइन के अंदर एक कार्बन के पास प्लस चार्ज है और इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन का जो एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका सिग्मा बॉन्ड वैकेंट कार्बन, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप रहेगा. तो ये सिंपल सी बेसिकली जो है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्मिनोलॉजी है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी बता देता हूँ कि ये क्या है. तो जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन के अंदर एक कार्बन एटम होगा और इस कार्बन से जो है एक और कार्बन एटम अटैच्ड रहेगा और इस कार्बन एटम का एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा. तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है. तो इस फिगर को हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है इसका एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इसका एक ये फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बन गया इसके लिए. और यहां पे ये जो है प्लस है, सो दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज पी और ये जो हमारे पास में है सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ जाएगा. तो ये कार्बोकेटाइन के अंदर हो गया. एल्कीन के अंदर अगर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो किस टाइप का होगा, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, ठीक है, तो क्लास 11th की टेक्स्ट बुक जो पार्ट 2 है उसके कवर पेज को अगर देखोगे तो वहां पे एक फिगर बना हुआ है, आप अभी ढूंढ के ला के देख सकते हो. तो वो जो फिगर बना हुआ है वही हाइपर कॉन्जुगेशन है ना. आपने सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को नोटिस किया है क्लास 11th की पार्ट 2 को देखते समय, तो उसी की अंडरस्टैंडिंग जो है एग्जामिनर हमारी चेक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. तो एल्कीन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में जो एलाइलिक हाइड्रोजन एटम होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो यहां पे हमने इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसिडर किया है, यहां पे हम इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसिडर करेंगे. अब यहां पर जो है हमारे पास में ये वैकेंट पी ऑर्बिटल था, अब इसके अंदर जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल के बदले में ये जो पाई बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहां पे इन्वॉल्व रहेगा. तो इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि यहां पे ये जो हमारे पास में पाई बॉन्ड हो गया, इस पाई बॉन्ड के लिए पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया. ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ते हो कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे इंडिकेट करते हैं हम, तो ये उसी टाइप का जो है रिप्रेजेंटेशन है. तो यहाँ पे ये हमारा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो ये जो अरेंजमेंट है ये पाई स्टार को इंडिकेट कर रहा है और ये अरेंजमेंट जो है वो सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है. तो सिग्मा पाई स्टार मैंने एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि बाद में कभी जरूरत पड़ जाए. तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से विजुलाइज कर लो इसको, देख लीजिए कि क्या है ये. ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास में सिग्मा पी ओवरलैपिंग हो गई है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर. तो सिग्मा पी ओवरलैपिंग का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए और वही है. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2008 का ही पेपर 1 जो है इसका क्वेश्चन है. तो 2008 पेपर 1 का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इज आर. तो
तो ये कंपाउंड गिवन है. इस कंपाउंड को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें दो काइरल सेंटर हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक जो हमारे पास में 2,3-dichlorobutane है उसका स्टेगर टाइप का कन्फॉर्मर है. एंड स्टेगर टाइप के कन्फॉर्मर में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है. स्टेगर टाइप के कन्फॉर्मर के अंदर आपको अगर सिमेट्री मिल सकती है तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिला करेगी. प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी स्टेगर टाइप के कन्फॉर्मर में नहीं मिलेगी. तो इसलिए देखिए कि अगर ये सपोज ऑप्टिकली इनएक्टिव भी अगर होगा तो कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. फर्स्ट थिंग, तो वो सिमेट्री एलिमेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, वो सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है 2,3-dichlorobutane का, और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर के अंदर कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. स्टैगर्ड कन्फॉर्मर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सकती है. तो अगर इसके वेरियस ऑप्शन में से एक्सपेक्टेड आंसर अगर होगा कि भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर है तो इसमें कोई एक सिमेट्री एलिमेंट होगा, और वो सिमेट्री एलिमेंट जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है. तो दैट इज उसका मैं बता रहा हूं इसके लिए. तो इसके अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल रही है. आप क्लोरीन से एक लाइन अपोजिट डायरेक्शन में अगर ड्रॉ करोगे सेंटर से पास होते हुए तो उस लाइन के अलोंग आपको अदर्स क्लोरीन नजर नहीं आएगा. ठीक है, मिथाइल मिथाइल तो उस लाइन को कनेक्ट करते हुए आ जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस लाइन के अलोंग लाई नहीं करेंगे सेंटर से पास होने वाली लाइन के अलोंग, और क्लोरीन क्लोरीन भी सेंटर से पास होने वाली लाइन के अलोंग लाई नहीं करेंगे. और ये एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं हो सकती है. तो इसलिए ये हम कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नाउ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मे हैव एक्सेस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी एक एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को हमें रोटेट करना है सर्टेन डिग्री से. ठीक है, और रोटेट करने से वो सेम फॉर्म में वापस से रीअपियर हो जाना चाहिए. जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर हम जो है क्यूब के अंदर वेरियस टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं. एक आपने देखा होगा टेट्राएड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये विद्यामंदिर क्लासेस का जो मॉड्यूल है उसके अंदर कलरफुल डायग्राम के साथ ये वेरियस टाइप की जो सिमेट्रीज है उसको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो आप देखिए जो बच्चे विद्यामंदिर के स्टूडेंट नहीं है वो विद्यामंदिर का कॉरेस्पॉन्डेंस ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका मटेरियल को, बहुत हेल्प मिलेगी आपको. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये श्योर है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एंड दीज कंपाउंड्स मे हैव एक्सेस ऑफ सिमेट्री. हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है. तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या है. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों CH3 जो है मेरा अपोजिट साइड के अंदर है, तो दोनों CH3 को हमने यहाँ पे अपोजिट साइड में ले लिया. ठीक है, दोनों CH3 को हमने ऐसे अपोजिट साइड में ले लिया. अब दोनों Cl जो है अबव द प्लेन है एज पर द क्वेश्चन. आप ध्यान से क्वेश्चन के फिगर को देख सकते हो. तो क्वेश्चन के फिगर को आप देखोगे तो दोनों Cl जो है आपको अबव द प्लेन नजर आएंगे. तो यहाँ पे भी मैंने दोनों Cl जो है अबव द प्लेन बना दिए. ये एक अरेंजमेंट हो गया. अब ये बोर्ड के प्लेन के अंदर रखा हुआ, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक एक्सिस विजुलाइज करता हूं तो ये मेरे पास में बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, ये ऐसे इस टाइप से. और इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको 180 डिग्री के एंगल से अगर रोटेट करता हूं इसी बोर्ड के प्लेन के अंदर, मतलब इसको मुझे जो है ऐसे रोटेट करना है 180 डिग्री के एंगल इस एक्सिस के अबाउट. ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट करना है 180 डिग्री के एंगल से. तो इसको अगर मैं 180 डिग्री के एंगल से ऐसे रोटेट करूंगा तो ये अरेंजमेंट आ जाएगा. देखिए मेरा थंब जो है वो राइट हैंड साइड में था, ठीक है ना. अब मैं इसको ऐसे 180 डिग्री के एंगल से अगर रोटेट कर रहा हूं तो थंब अब मेरा यहां आ गया है. सारा अरेंजमेंट वो एग्जैक्टली सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर जो है वापस से बन जाएगा. तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, दोनों Cl जो है बोर्ड के प्लेन के अबव है, और ये मिथाइल जो है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर है. ठीक है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है. अब मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर 180 डिग्री के एंगल से अगर घुमाता हूं, ये एक हमारी एक्सिस हो गई. इस एक्सिस के अबाउट अगर 180 डिग्री के एंगल से हम घुमाएंगे तो वापस से ये इसी फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. जिसका मतलब ये हमारे पास में एक सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई. तो इसका इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो आंसर्स टिक करने. पहला तो ये हो गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और दूसरा ये होगा कि ये कंपाउंड जो है उसके अंदर दैट पजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री. तो ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो ए भी होगा और डी भी हमारा ऑफिशियल आंसर होगा. ये मल्टीपल करेक्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास में
कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है ई एफ एंड जी. सो करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर्स ई एफ एंड जी इज आर. तो ये इज आर की बात कर रहा है, तो मोर देन वन ऑप्शंस जो है इसमें करेक्ट हो सकते हैं. तो 2008 का पेपर वन का क्वेश्चन है. तो अब ध्यान से इन क्वेश्चंस को अगर हम स्टडी करते हैं तो देखिए जो हमारे पास में ई स्ट्रक्चर है इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक कीटोन है, ठीक है जी. और कीटोन के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये जो हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे और ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. तो यहाँ पे टॉटोमर से रिलेटेड कुछ बात कर रखी है. तो आप F को अगर देखेंगे तो F बेसिकली एक इनॉल हो गया, इसी कीटो का टॉटोमर हो गया. तो E एंड F आर टॉटोमर्स. अब E और F को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं कह सकते. देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि E, F एंड G आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. रेजोनेंस में क्या है कि किसी भी एटम की पोजिशन चेंज नहीं होती है, सारे एटम्स की पोजिशन फिक्स रहती है, सिर्फ बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती है. और बॉन्ड्स में भी जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी स्पेशली पोजीशन चेंज होती है या चार्ज की पोजीशन चेंज होती है या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर O के पास H नहीं है, बट इस कंपाउंड के अंदर O के पास H है और इसमें भी O के पास H है. और यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी. इस कंपाउंड में यहां पे हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, ठीक है. इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन एटम नहीं है. तो इसका मतलब ये ई एफ एंड जी आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं. और ये हमने यहाँ पे अगेन देख ही लिया यहाँ पे कि ये एक कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनॉल फॉर्म है, ठीक है. और इस इनॉल फॉर्म और ये भी इसी का ही इनॉल फॉर्म है. तो ई एफ आर टॉटोमर्स एंड ई जी आर ऑल्सो टॉटोमर्स. तो ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा. नाउ एफ और जी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये सब कुछ सेम है. ये जो दो ग्रुप्स है इनकी पोजिशंस इंटरचेंज हो गई है. तो इसका मतलब है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो एक स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड है. स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में अगर होगा तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं. और स्टीरियोजेनिक डबल बॉन्ड होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है. तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये दोनों CH3 जो है इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में है. तो ये एक टाइप का सिस आइसोमर टाइप का हो गया. और इस मॉलिक्यूल में ये दोनों CH3 जो है वो अपोजिट साइड में चले गए. तो CH3 के रिस्पेक्ट में F और G जो है वो एक टाइप से सिस ट्रांस आइसोमर्स हो गए हैं. यहाँ पे हम यहाँ पे E Z टाइप टर्म यूज नहीं करेंगे. तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि उसमें मेंशन किया होगा एक्सक्लूडिंग RS एंड E Z आइसोमर्स कॉन्फिग्रेशंस. तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है. तो यहाँ पे भी F एंड G आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स. डाइस्टीरियोमर्स की जो सिंपल डेफिनेशन होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स. तो अगर सी करेक्ट है तो डी भी करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास में वो बी है, सी है और डी करेक्ट स्टेटमेंट्स है. अब ऑफिशियल आंसर को देख लेते हैं कि वो क्या है. तो ये हमारे पास में जो ऑफिशियल आंसर आ रहा है उसके अंदर भी बी सी एंड डी करेक्ट आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में अगेन 2008 के क्वेश्चन पेपर से ही है और पेपर वन का है. और इसके अंदर अगेन स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ गया. और स्टेटमेंट वन कह रहा है ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स 1/4 डाई ब्रोमोबेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट. ब्रोमोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. और अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें हमें ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट देखना होगा कि क्या होता है. तो देखिए जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है तो वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टाइप का ग्रुप होता है. बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है तो वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टाइप का ग्रुप होगा. और ऑर्थो और पैरा में से भी मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग. तो स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से पैरा वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक डाइब्रोमोबेंजीन होगा और एक ब्रोमीन पहले से लगा हुआ था, दूसरा ब्रोमीन उसकी पैरा पोजिशन पे जाकर के अटैच होगा. तो ये 1/4 डाइब्रोमोबेंजीन एक मेजर प्रोडक्ट की तरह ऑप्टेंड होगा. तो स्टेटमेंट वन तो हमारा ट्रू है बिल्कुल, ठीक है. अब हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है या नहीं. तो अब ये कह रहा है कि इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन द मीजोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. नो, दिस इज नॉट ट्रू. डायरेक्टिंग इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है. मीजोमेरिक इफेक्ट अगर प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट है
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिजोमेरिक इफेक्ट है तो फिर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। और मिजोमेरिक इफेक्ट अगर माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मिजोमेरिक इफेक्ट, तो फिर ये मेटा डायरेक्टिंग टाइप का ग्रुप होगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं करता है डायरेक्टिव इफेक्ट के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। सो इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन द मिजोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है। चेक कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर जो है वो क्या कह रहा है। तो ऑफिशियल आंसर कह रहा है सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2008 का जो पेपर टू है उसका क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कार्बोकेटाइनिक स्पीसीज गिवन है और इन कार्बोकेटाइन के स्पीसीज का हमें करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दी फॉलोइंग स्पीसीज, तो इन सारी स्पीसीज को अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये एक टाइप का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसलिए ये तो स्टेबिलिटी में बिल्कुल लास्ट में ही रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसके पास में कोई एक स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी नहीं है। यहाँ पे स्टेबलाइजिंग ग्रुप को अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर भी आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बताया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है लेस स्टेबल होगा, तो आंसर जो है वो बी और डी में से कोई एक आना है। अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो एक एडवांटेज आप ये देख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन का, इस कार्बोकेटाइन के लिए 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, और इस कार्बोकेटाइन के लिए 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, इस कार्बोकेटाइन के लिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल तो हमें मिल गया यही वाला मिलेगा, क्योंकि इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ एक और एडवांटेज है स्ट्रक्चर नंबर 1 में, और वो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा कार्बोकेटाइन के लिए। तो अगेन एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है तो फिर ऐसा कार्बोकेटाइन वन ऑफ दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। किसी भी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है तो ये वन ऑफ दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। देखिए जो बिल्कुल सिंपल टाइप की चीजें जो आपके सिलेबस में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता हूँ, नहीं आते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, जस्ट हार्डली मतलब 1% चांसेस होते हैं डेविएशन के, ठीक है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये नहीं हम साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, हम वो ले लेते हैं, नहीं नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनमें पॉसिबिलिटी अगर देखोगे तो ये, तो इसलिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो एडवांटेज मिल रहे हैं, एक तो इसके पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का एडवांटेज मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, तो देखिए मैंने बताया था कि फोर्थ लीस्ट स्टेबल है और फर्स्ट जो है मोस्ट स्टेबल है, इसलिए एक्सपेक्टेड आंसर जो होगा हमारा वो डी आंसर हो जाएगा, और वो गिवन भी है, जैसे इसमें बड़ा इजी था तो इसलिए मैंने पहले ही आपको आंसर जो है रिलीज कर दिया, आप भी साथ साथ में मेरे कर सकते हो उसमें कि क्या है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि हमने फिर कैसे डिसाइड किया सेकंड और थर्ड के अंदर, क्योंकि सेकंड के नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे हैं, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, पर इसके लिए जो है यहाँ पे 3 है, तो मिजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। तो किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है तो ये फिर एक वन ऑफ द स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। और ये लॉन पेयर अगर सपोज आपको फ्लोरीन का लॉन पेयर मिल गया या ऑक्सीजन का लॉन पेयर मिल गया, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट का लॉन पेयर अगर मिल जाता है तो बहुत इफेक्टिव जो है वो पी पाई टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है, एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल जो है फर्स्ट है, देन थर्ड, थर्ड के बाद में हमारा सेकंड आएगा और सेकंड के बाद में फोर्थ आएगा, ठीक है। अब हम आंसर आपको नजर आ रहा है इसका क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2009 का पेपर 1 से है और ये नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो हमें एक तो बेंजीन दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होगा वो कार्बन पार्ट जो होगा वो एक
वर्ड रूट प्रोवाइड करेगा नेमिंग के अंदर. अब इसको बस हमें यह देखना है कि, और बेसिकली जब आप वर्ड रूट चूज करते हो तो एक ऐसा ग्रुप चूज करना जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये जो वेरियस सब्सिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, फंक्शनल ग्रुप या सब्सिट्यूएंट कहेंगे, तो इसमें भी एक कार्बन आ रहा है. तो यहाँ पे मैं जो वर्ड रूट लेऊंगा वो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए वर्ड रूट लेऊंगा. तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए वर्ड रूट अगर हम लेंगे तो एक टाइप से हमारे पास में ये जो है साइनोबेंजीन हो गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल. तो यहाँ पे वर्ड रूट जो होगा हमारा वो बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा. और अब आप ऑप्शंस को अगर देखोगे तो बेंजोनाइट्राइल आपको दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी के अंदर. ठीक है, तो अब हमें बेंजोनाइट्राइल वर्ड रूट तो मिल गया है, और बेंजोनाइट्राइल के अंदर ये वाला जो कार्बन होगा हमारा फर्स्ट कार्बन होगा नंबरिंग के लिए. नंबरिंग के लिए अब हमें देखना है कि हमें जो है OH की तरफ मूव करना है या फिर BR की तरफ मूव कर रहा है. तो ये दोनों ही हमारे पास में एक टाइप से जो है वो क्या है, सब्सिट्यूएंट है. तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे. तो ब्रोमो और हाइड्रोक्सो में अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस जो है वो ब्रोमो ग्रुप को मिलेगा, तो इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे. तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा. तो ये जो है बेसिकली 2 ब्रोमो एंड 5 हाइड्रोक्सी टाइप का बेंजोनाइट्राइल बनेगा. 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ये करेक्ट IUPAC नेम होगा इस कंपाउंड का. तो ये ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, चेक कर लेते हैं क्या आंसर है. और वो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, 2009 का एक क्वेश्चन पेपर है, उसी पर बेस्ड है. तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ये गिवन है. तो इस कंपाउंड के अंदर हमें कुछ कुछ जो है स्टीरियो आइसोमर्स की बात करनी है, डाई स्टीरियो आइसोमर्स की बात करनी है, सिस और ट्रांस टाइप का. तो इसको डायरेक्टली जो है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्या है. तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड को अगर देखते हैं तो हमारे पास में जो वेरियस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इस कंपाउंड के लिए, CH3, CHOH एंड CH डबल बॉन्ड, CHOH एंड CH3. तो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो एक तो हमें यहाँ पे ये स्टीरियोजेनिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है. स्टीरियोजेनिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि इसके अबाउट हम सिस एंड ट्रांस टाइप का अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे. और ये यहाँ पे जो हमारे पास में कार्बन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया. स्टीरियोजेनिक सेंटर होने का मतलब है कि ये जो काइरल टाइप के कार्बन एटम होते हैं उसके लिए. तो यहाँ पे हम जो है वो डेक्स्ट्रो एंड लीवो टाइप का अरेंजमेंट विजुलाइज करेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो टाइप का अरेंजमेंट विजुलाइज करेंगे. तो ये इसके अंदर तीन जो है हमारे पास में रीजंस आ गए जिसके अबाउट हम इसके स्पेस में वेरियस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि ये जो मेरा डबल बॉन्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है. तो डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से मैं सिस कॉन्फ़िगरेशन विजुलाइज करके चलता हूं, डबल बॉन्ड को मैं सिस बना लेता हूं. नाउ डबल बॉन्ड को सिस बना लिया हमने. अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों काइरल कार्बन के ये जो OH ग्रुप है इनका अरेंजमेंट कैसे होगा. तो मैं ये विजुलाइज कर लेता हूं कि दोनों OH ग्रुप जो होंगे वो अबव द प्लेन होंगे. तो दोनों OH ग्रुप अबव द प्लेन है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया हमारा और ये जो है वो सेकंड स्ट्रक्चर बन गया. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बन गया. दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि किसी एक कार्बन का OH जो है वो अबव द प्लेन होगा और दूसरे कार्बन का OH जो है फिर बिलो द प्लेन आ जाएगा. अब वो दूसरा कार्बन कौन सा होगा जिसका OH बिलो द प्लेन जाएगा, ये कोई भी रेंडमली हम ले सकते हैं कोई एक. तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि राइट साइड वाला जो हमारा कार्बन है इसका OH जो है वो बिलो द प्लेन जाएगा. तो ये OH हमारा बिलो द प्लेन आ गया. अब ये दो स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए इसका कॉन्फिग्रेशन सिस कंसिडर करते हुए. अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो भी आपने एक स्ट्रक्चर बनाया क्या इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है. तो स्पेशली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप से कुछ विजुलाइज करना है. तो ये सिस है इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होगी. तो यहाँ पे ये जो मेरा एक इमेजनरी प्लेन है ऐसे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा. इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. इसका फर्दर कोई और स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस होती है वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है. इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अगेन सिस है तो इसलिए मैंने कहा था कि इसमें जस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है. नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव.
ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए इसका एक एनेंशियोमर भी पॉसिबल होगा. तो अब एनेंशियोमर जब आप बनाओगे तो क्या होगा, एनेंशियोमर बनाने का मतलब है हमें इसकी एक मिरर इमेज विजुलाइज करनी है. तो मिरर इमेज विजुलाइज करने का मतलब अगर मैं यहाँ पे मिरर अगर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो या जस्ट आप सोच लीजिए ऐसे कि ये जो हमारे पास सामने मिरर अगर हमने रख दिया है, इसमें सामने मिरर रखा हुआ है हमारा, तो ये अबव द प्लेन जो है वो मिरर के अंदर बिलो द प्लेन नजर आएगा और जो बिलो द प्लेन होगा वो अबव द प्लेन नजर आएगा. तो ये यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स बन गए और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के हमारे पास में कैसे कह सकते हैं कि ये एनेंशियोमर्स है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिरर इमेज आइसोमर है. सो दीज आर एनेंशियोमर्स. इन दोनों में से किसी को अगर इसके साथ रिलेट करेंगे तो ये डाइस्टीरियोमर्स इसका पॉसिबल होगा. नाउ अब दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास में ये है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड को ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं. तो इस डबल बॉन्ड को हमने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया और ऐसे ही हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में इस कार्बन के पास जो OH ग्रुप है, दोनों OH ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन आ गए. तो हमने एक ये अरेंजमेंट बना दिया, दोनों OH ग्रुप अबव द प्लेन लगा दिए. दूसरा अरेंजमेंट होगा जिसमें हम जो है एक OH को बिलो दी प्लेन ले जाते हैं, कोई सा भी एक OH ले लेते हैं जिसको बिलो दी प्लेन रखते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे अबव दी प्लेन हो गया और ये यहाँ पर बिलो दी प्लेन चला गया और ये हमारा डबल बॉन्ड ट्रांस प्लेनर में ही है. अब चेक कर लेते हैं इसमें कोई सिमेट्री है या नहीं है. तो सिमेट्री को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सिमेट्री इसके अंदर हमें कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है, लेकिन इसके अंदर हमें सिमेट्री मिल जाएगी. ये एक सेंटर ऑफ इस सेंटर से पास होने वाली लाइन को अगर हम देखेंगे तो उस लाइन पे ये दोनों OH ग्रुप लाई करेंगे, ये दोनों CH3 ग्रुप लाई करेंगे, ये दोनों काइरल कार्बन एटम लाई करेंगे. तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है. सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है हमारा ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. इसका फर्दर कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. नाउ इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पर ये बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो ये जो है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. तो इसका एक मिरर इमेज आइसोमर पॉसिबल होगा. तो इसका जो मिरर इमेज आइसोमर है वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं उसके साथ में. तो हमें क्या करना होगा, जो अबव द प्लेन है उसको बिलो द प्लेन ले जाना है. मिरर हमने यहाँ पे सामने रख दिया है तो ये मिरर के अंदर ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा. तो ये दोनों जो है हमारे पास में एनेंशियोमर्स बन जाएंगे जैसे वहां पर बन गए. ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो एनेंशियोमर्स हो गए. तो ये टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं. इन 6 स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो अब आप ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं कि कौन सा होगा. तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, ये चेक कर लिया है. तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 6. ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया हमारा. अभी अभी हमने ड्रॉ करके देखा है कि ये इसके टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है. नाउ टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 3. ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स अगर देखेंगे यहाँ पे तो जो सिस ट्रांस है वो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है 3 से ज्यादा तो डाइस्टीरियोमर्स बन जाएंगे. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. स्टेटमेंट सी कह रहा है कि इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज ट्रांस. ट्रांस की स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम ले लेते हैं द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 4. नहीं, देखिए आप चाहे डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री को सिस रखिए या डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री को ट्रांस रखिए, आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो 2 ही मिलेंगे और वो मिरर इमेज होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे. तो जैसे मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड को जब हम सिस रखेंगे तो हमारे पास में 2 एनेंशियोमर्स होंगे, डबल बॉन्ड को ट्रांस रखेंगे तो भी हमारे पास में 2 डबल बॉन्ड होंगे. तो ये स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है. स्टेटमेंट डी करेक्ट हो गया. देखिए इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज 6 द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 2. तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. डाइस्टीरियोमर्स जो है वो 4 आ जाएंगे और
डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस होगी तो नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल जो है वो भी दो ही होंगे. तो अब हम देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर जो है इसका क्या है. तो वो ए और डी हमारा ऑफिशियल आंसर है. बी स्टेटमेंट डाइस्टीरियोमर्स के टोटल चार डाइस्टीरियोमर्स पॉसिबल होंगे उसके बेसिस पे रॉन्ग हो गया. और डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री जब ट्रांस होगी तो नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स टू होंगे नहीं कि चार होंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2019 के पेपर से ही है. और 2019 के पेपर्स के अंदर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10. C5H10 को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है. मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो मैच कर रहा है किसी एल्कीन के फॉर्मूले से या किसी साइक्लो एल्केन के फॉर्मूले से. तो अब आप इनके स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने होंगे. तो ये जस्ट मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है. यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की ही बात कर रहा है. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें फाइंड आउट करना है C5H10 के साइक्लिक एंड स्टीरियो आइसोमर्स. तो पहला स्ट्रक्चर तो हम बना लेते हैं जिसमें रिंग जो है वो 5 कार्बन की रिंग हो गई. अब रिंग की साइज को एक एक कार्बन से हमें शॉर्ट करते जाना है टिल वी गेट 3 मेंबर रिंग, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइज रिंग इज 3 मेंबर रिंग. और अब हम 3 मेंबर रिंग बना लेते हैं. 3 मेंबर रिंग बनाएंगे तो हमारे पास में 2 कार्बन जो है पीछे रह जाएंगे. तो इन 2 कार्बन को हम ऐसे इथाइल की तरह अटैच कर सकते हैं या इन 2 कार्बन को हम मिथाइल ग्रुप की तरह अटैच कर सकते हैं. तो 2 कार्बन को अगर मिथाइल ग्रुप की तरह अटैच करेंगे तो एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप को अटैच कर सकते हैं या फिर एडजेसेंट कार्बन पे इन दोनों को हम अटैच कर सकते हैं. एडजेसेंट कार्बन पर अगर हम इन दोनों को अटैच करेंगे तो फिर इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री की पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि भाई दोनों जो कार्बन एटम है वो सेम अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है. तो सपोज पहली पॉसिबिलिटी आ गई कि दोनों जो है वो अबव द प्लेन है तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर होगा कि ये हमारा कोई एक बिलो द प्लेन जा सकता है. अब वो कौन सा कोई एक होगा, कोई सा भी हो सकता है. तो हमने ये वाला ले लिया, बिलो द प्लेन चला गया. ये सब जो है वो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे. ये एमी है, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, सब जगह मिथाइल ग्रुप्स जो है वो प्लेस्ड है. स्टीरियो आइसोमर्स को हमें इंक्लूड करना है. तो ये तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स कंसिडर कर लिए. इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिस ट्रांस आइसोमर टाइप के हो गए. अब इन सिस ट्रांस आइसोमर्स में से किसी के ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं है उसके लिए आपको देखना है कि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगी. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक टाइप का मेजो आइसोमर हो जाएगा. इसका फर्दर कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा. और इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए इसका एक स्टीरियो आइसोमर्स भी पॉसिबल होगा. और वो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसा हो जाएगा कि हम इस कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन कर सकते हैं और इस कार्बन का मिथाइल ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन कर सकते हैं. मिरर अगर ऐसे लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे सामने बन जाएगा. तो ये टोटल स्ट्रक्चर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्ट्रक्चर्स जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. इसमें कहीं पे भी कोई स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि कोई काइरल सेंटर नहीं है या स्टीरियोजेनिक बॉन्ड नहीं है. तो इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 हमें आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे ये 2009 से जो है वो सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चंस का जो है वो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है. ये पेपर 2 के अंदर एक हमें क्वेश्चन मिला, इसका ऑफिशियल आंसर हमें 7 देखना है या नहीं है. तो ये 7 ऑफिशियल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया और बाकी क्वेश्चंस का अभी हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.